हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो लीजिए, बोले आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो मैंने अभी यहाँ पे पूजा करी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। तो आप भी बत जोत ले लीजिए और यहाँ मेरे भोले बाबा बैठा रखे हैं, और देखिए आप, मैंने इस तरह से भगवान जी सारे बैठा रखे हैं यहाँ पे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। तो हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे राधे। तो लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर है तुलसी, तुलसी की भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी तुलसी की भी पानी वानी चढ़ाया है, जोत वगैरह करी है, सब चीज़ें करा है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए बाहर का व्यू तो कुछ अलग ही आता है एकदम, है ना, बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। और यहाँ मेरे पेड़ पौधे हैं लग रहे हैं, जो भी हैं यहाँ मेरे पेड़ पौधे लग रहे हैं। ये देखिए, ये वाला पेड़ ना हमेशा कभी तो सूख जाता है, कभी इसमें पत्ते आने लग जाते हैं। अब इसमें देखिए अपना पत्ते आने लग गई, और ये पहले सूख गया था और अपना फिर से पत्ते आने लग गया। और यहाँ ये इस तरह से मैंने पौधे वगैरह लगा रखे थे। बाहर का व्यू, किसी के बच्चा भी रो रहा है ऐसे। तो यहाँ बाहर का व्यू देखिए, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए बालकनी का, तो यहाँ ये दोनों बैठे हैं। तो एक पता नहीं क्या कर रही है टेबल पे, और चेतन भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे ही, टीवी देख रहे हैं दोनों, और कुछ नहीं कर रहे हैं वैसे तो। और ये यहाँ पे बैठे हैं। तो चलिए काम करते हैं आगे का, फिर कब मिलती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से आंवला नवी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी कोई पूछता है आंवला नवी, आपको सभी को मेरी तरफ से आंवला नवी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस, और आप सब कैसे हो भी बताना मुझे। और आई होप अच्छे ही होंगे अपने घर में, और अपने घर में सेफ रहना, क्योंकि दोबारा से कोरोना का दौर चल चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और वही बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इसलिए कहते हैं अपने घर में रहना, सेफ रहना, बिल्कुल सेफ रहना, अपने घर में ही रहना। तो आज मैं अपनी इस साड़ी में ना फॉल लगाऊंगी, आपको मैंने दिखाई थी ना, तो इसमें साड़ी में मैं फॉल भी लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। एक साइड लगा ली है मैंने वैसे, और एक साइड लगाऊंगी अभी साड़ी में फॉल। तो बस मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, अब कि आपको दिखाया तो पूजा भी कर ली मैंने, और पूजा करी अभी, और खाना लंच होता है जो, ये सुबह जो खाना लेके गए थे वो प्रिपेयर हो गया है हमारा लंच, हम दोपहर में वही खा लेंगे। तो कोई वो नहीं है, क्योंकि सुबह ही तो बनाया था खाना। तो बस, तो मैं अब अपना रूटीन भी चालू करूँगी। मैंने कहा चलिए अपना रूटीन काम कर लेती हूँ, पूजा वगैरह कर ली है सब, नहाना धोना हो गया, पूजा हो गई है, बस थोड़ी डस्टिंग पोछा और कपड़े बचे हैं। मैंने कहा ये अभी आराम से कर लूँगी इनके जाने के बाद, क्योंकि पूजा में फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, इसलिए फिर मैंने कहा पहले पूजा का काम करते हैं, फिर काम दूजा करते हैं, है ना। तो पहले पूजा कर लिया, तो मैं पहले काम कर लेती हूँ। चलिए फिर मैं अभी काम स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना रोटी सेकने के लिए आ गई हूँ। मैंने एक सब्जी तो मैं जो बनाई रखी थी आपको बताया भी था। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने के लिए आ गई हूँ, और ये टीवी चल रहा है, माइंड ना करना, बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्या करें, घर में बैठे बैठे कुछ तो करना ही है ना। तो मैं यहाँ पे रोटी सेकने के लिए आ गई हूँ। आ जाइए रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए भाई, हम देसी हैं, देसी भाषा ही बोलते हैं।
हाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ तो यहाँ पे तो बस। और अभी चेतन खा के आया, बोला मम्मी थोड़ी गर्मी हो रही है ना, ये उसको ठंड ठंड लग रही है, इसलिए बोला है कि मम्मी गर्मी हो रही है ना। तो बस तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। बज चुके हैं इस टाइम और मैं इस रूम में आके बैठी हूँ, अंदर वाले रूम में। और अभी बस दिया बत्ती वगैरह करी है, अब बस खाना बनाने के लिए जाऊंगी। क्या मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच नहीं रहे हैं? क्या मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुँच नहीं रहे हैं? क्योंकि कोई भी वॉच नहीं कर रहा मेरी वीडियो की, क्योंकि इतने कम व्यूज आ रहे हैं मेरे पास, बस पूछो मत, बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, क्या तो क्या वो मेरी वीडियो देखते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं देख रहे। क्या मेरी भी पता है, लोग इतने बेकार बेकार बना रहे हैं, उनकी भी इतने ज़्यादा व्यूज है, सब्सक्राइबर उनके इतने कम हैं, 200-250, लेकिन उनकी व्यूज हजारों में आ रही है। तो बताइए क्या मेरे सब्सक्राइबर इतने कम तो हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि बिल्कुल ही कि क्या बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत 1K तो है, 1K के समथिंग ही है मेरे, क्योंकि 1K हो चुका था मेरा, लेकिन थोड़े से कम हो गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन की घंटी है ना उसे ज़रूर दबाना, जिससे मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच चुके और मेरी नई नई वीडियो आप लोगों के पास जब पहुँचे और आप लोग वॉच कर सकें, और उसको शेयर भी कर दिया करो। तो बस मैं यही कह रही थी, क्योंकि अभी बस खाना बनाने के लिए जाऊंगी, अब दाल बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी इस टाइम, दाल और रोटी सिंपल ही खाना बनाऊंगी इस टाइम। तो बस सुबह बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी था जो बनाया था, तो अब मैं बस दाल रोटी बनाऊंगी। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, अब मैं किचन में काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।